पूजा, गैस क्यों जल रहा है? अरे बाप, सांप है भैया सांप। चलो खाने चित हो। ये कहीं रोड रोड पे तो नहीं निकल गया यार? तुम्हारे कमरे में हम काम लगवाए हैं यार। अरे क्या सूंघ रही है यहाँ पे? कब से ये लड़की यहाँ पे कुछ तो सूंघ रही है। क्या मिल गया ऐसा? तुमको नहीं खुशबू आ रहा है? फूल का खुशबू आ रहा है। और ये फूल शायद वो वाला है। अब उसमें कोई फूल ही नहीं है बेवकूफ। देखो वो पूरा खाली है। चल तो? पूरा खाली है, चल के देख लो एक बार। चलो बाहर। वही रह ही रहा है ये। महक तो है वैसा ही, लेकिन ये वाला फूल मेरे ख्याल से है ही नहीं। वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। खुशबू आ रही है फिर। चलो चल के देख लो। मंगल पहले से ही खड़ा है वहां पे, उसमें फूल नहीं है। मिला? अबे ये फूल तो बहुत मिलता है उधर। ये वाला फूल बहुत मिलता है उधर दिल्ली विल्ली में ना, बहुत सड़क में वैसे ही देखने को मिलता है। यही है। मैंने क्या बोला? मैं कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ कि खुशबू कहाँ से आ रहा है। भाई ये फूल ना, मैं जब स्कूल जाता था ना गुड़गांव में, वहाँ पे बहुत मिलता था। मैंने पूजा को बोला कि ये वही वाला खुशबू है। कामिनी है, ये छतवन है। इसका खुशबू दूसरा है, इसका खुशबू दूसरा है। बताओ यार, पापा भी क्या पागल आदमी। वो खिला ही नहीं है, ये इसी का खुशबू है। अभी बड़ा होने दो पेड़ को, उसके बाद पूरा मोहल्ला खुशबू से भरा है। हाँ, बड़ा होगा है। बहुत बड़ा होता है, चंपा के पेड़ जितना बड़ा होगा। हाँ ये सही बोल रहा है, मैंने सड़क पे देखा है। और पब्लिक कमेंट कर बताना, ये दिल्ली के ना सड़कों पे बहुत ज्यादा है ना, ये पटना में भी सड़कों पे बहुत ज्यादा ये खिलता है। अभी हम बता रहे हैं, 1.5 साल पहले का, 1 साल पहले का बात है। हम घर आके पूजा को बोले क्या कि एक खुशबू है पेड़, हम वहाँ पे 10 मिनट तक बैठे रह गए। उसको यही था क्या? यही था। तो अब कामिनी को इधर करो ना यार। कामिनी कौन सा है? ये वाला जो याद है, जो एकदम फूल की बगिया बनी। अच्छा हाँ, हम घर में भी नहीं रख सकते क्योंकि इस पे सांप बैठता है रोज रात में। बाग ठंडा रहता होगा इसलिए बैठता होगा। नहीं, रीजन चाहे जो भी हो, इस वाले पेड़ पे पूरे मोहल्ले के लोगों ने देखा है। मैं अभी जा रहा था तो आसपास के एक दो लोगों ने बोला कि पास मत जाओ, पेड़ पे सांप रहता है हमेशा। एक बार इसका क्लोजर लुक देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। कमेंट करके बताना अगर ये आपके घर के आसपास भी है तो। वैसे मैंने ऐसा फूल बहुत देखा है दिल्ली गुड़गांव में। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी, मैं ढूंढ रही थी कि कहां से खुशबू आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर की है। कब से ये छोटा पांडा मेरे ही रूम में है भाई, जीना मुश्किल कर दिया यार ये। ये देखो क्या कर रहा है ये, कब से यही उटपटांग हरकत कर रहा है यार। और कभी कुछ फाड़ रहा है, अभी देखो फिर फाड़ रहा है। पांडा छोड़ दे यार, छोड़। फिर अब देख ये काट रहा है। अरे जा जीने दे भाई। अबे वायर, इसमें करंट होगा। हट, करंट होगा कि नहीं इसमें? करंट है भाई, छोड़ छोड़। आओ आओ, आ जा आ जा, भौंक के दिखा दे, भौंक के दिखा दे। भौंकता है ना बहुत अच्छा, भौंक भौंक। पूजा के रूम में सांप है, पूजा ने बताया, पूजा ने देखा है। अभी चल के देखते हैं कि सांप है कि नहीं है। आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो। आइए आइए आइए, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ जल्दी। कहाँ है? देखा तुमने? मैं देखा तो नहीं है, मैं देख के आऊँ अंदर से। देख के आऊँ? हटो तो, हटो हटो, मैं जाता हूँ। नीचे वाले रैक पे है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, चलो। कहाँ से? रैक पे, रैक पे, रैक पे। अबे चलना अंदर, क्या कर लेगा है? कौन से रैक पे? नीचे वाले रैक पे, नीचे वाले रैक पे। तीन रैक कहाँ है? अबे कहाँ, इसमें सामान भरा हुआ है। छिपकली है बेवकूफ लड़की, हे भगवान। बाप रे बाप, सांप है भैया सांप। बड़ा सांप है, एक बार खोदी है लेकिन। अरे छिपकली है, मेरा माइक बच गया। सांप नहीं है, सांप नहीं है। अरे क्या बेवकूफ लड़की है। सांप होता तो अब तक क्या होता? अब तक मैं भागता है ना। निकालो सांप, तो निकालो। सांप नहीं है, कल रात से है। कल रात से मेरे ऊपर चढ़ा था। हाँ, बंद हो गया होगा। कि सांप चढ़ा था लगा है मेरे ऊपर। रहेगा, हो गया सांप रहेगा। छिपकली तो बोल देगी ना खोंडा है। जा रहे खाना खाने, कुछ होगा तो बताना। मेरे बेड पर सांप चढ़ के देखे हैं यार, घुस गए हम लोग, पागल हो गए। अच्छा हाला मत, चेक करो चेक करो। देखो चेक करो चेक करो चेक करो। छिपकली, छिपकली है, भाग भाग भाग, छिपकली है। छिपकली नहीं, गिरगिट जैसा। अबे बाप रे बाप, अरे तो चेक करो ना, छिपकली है। वो सब उसको खाने के लिए सांप गया होगा।
और चेक करो भाई, चेक कर लेते हैं। रामराज जी बहुत ज्यादा निडर है, इनको कोई है ही नहीं उसमें, तो निडर वाली बात क्या है इसमें। हाँ उनको ही पता है कि तो है ही नहीं इसमें, तो हम इनको बता देते हैं। पूजा का कबाड़ खाना है, सब लोगों ने देख लिया, ये कबाड़ जैसा हालत है, इसीलिए कोई भी जानवर आके इसमें घुस सकता है। ऐसे लगता तो नहीं, अब नहीं है, अब क्या, थोड़ी सांप होगा इसमें, अब वो भी हाँ उसको भी थोड़ा सा ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए। लगता तो नहीं है कि अब कुछ होगा, अब तक कुछ नहीं है, तो अब भी नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई छिपकली ही होगा, क्योंकि अंदर में छिपकली था, तो छिपकली ही होगा, सांप तो नहीं होगा। छोटा सा था तो कहाँ गया छिपकली, पागल है क्या, मैं डर गया। अरे नहीं भाई, नजर में बता देंगे सांप रहेगा तो। बस खत्म किया, चढ़ रहा था हम सोए हुए थे, आंख खुला, उसके बाद हम डर के मारे बिछावन ऐसे फेंक के भागे, फिर झिझकिए तो कुछ नहीं था। नहीं नहीं सांप नहीं, चलो भाई हो गया मनोरंजन, मम्मी लाठी लेके आई है, चलिए चलिए हो गया ना, तुम फिर गलत साबित हो गई। नहीं हम देखे मेरे बेड पर से चढ़, चलिए लैपटॉप टूट जाएगा, सांप तो नहीं मिलेगा, छिपकली था मम्मी अंदर मिल गया, छिपकली था पकड़ा गया ना छिपकली, डर है तो इसमें डाल दीजिए, हाँ इसमें डाल दीजिए, या तो कागज दीजिए, हाँ पूरा सारे के कोई यार, हम जो बोल रहे हैं मेरी बात पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारा हर बार यही साबित हुआ है यार, चढ़ के जाते हुए हम देखे सांप को, हरे राम जी इतना बड़ा सांप था, इसे नहीं हो सकता इतना बड़ा होगा, मतलब ज्यादा मोटा बड़ा नहीं सांप था, छोटा सांप था। गिन्नी के रूम में देखो इतना टाइल लग चुका है, अभी यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। पूजा का ना हर बार का यही सीन है, उसको दिखता कुछ और है, बोल कुछ और देती है। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भाग के आए हैं कि सांप निकल गया रूम के अंदर। तो अभी रात का लगभग 10 बज रहा है और चारों तरफ धीरे धीरे बारिश है, और वहाँ पे देखो रामराज जी सो रहे हैं, तो उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो भाई आज गिन्नी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, इसके कमरे में काम लगा है तो ये बेघर हो गई है। अब कुछ दिन पहले की बात है, मुझे डर लगता था तो मैं बोलता था कि मेरे कमरे में मेरे साथ सो जा, तो ये कहती थी कि नहीं सोऊंगी, मुझे नहीं सोना अच्छा लगता है। आज इस पास कमरा नहीं बचा है और मेरे पास ये भीख मांगने आई है, आप बताइए क्या किया जाए इसके साथ। भीख मांगने वाला तो तुम्हारा उल्टा शर्ट पहने हो, लग रहा है किसी का चोरी करके पहन लिया है। अरे वो शर्ट पे नजर मत डालो, अभी अभी ये बताओ कि अभी क्या पब्लिक आप क्या कहते हो, इसको अंदर ले लिया जाए या भेज दिया जाए। इसको अगर तुमने नहीं सुनाया ना शिवम, मैं सच में कसम से बोलती हूँ कि पूरी रात घर में घूम के चक्कर काटेगी और इसको पूरी रात में कम से कम 200 भूत दिखेंगे। मेरे रूम में मिरर है, तो किसी भाई मतलब किसी ने बोला मुझे कि ऐसे ना मिरर के सामने नहीं सोना चाहिए, मतलब सोते समय चूस लेता है। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि एक मिनट में जिसने वो मिरर लाने में मेरी मदद की थी, असल में सोचो एक साइकिल पे मैं बेचारी छोटी सी बच्ची 5 क्लास में पढ़ती थी और मेरे साथ 3 भाई बहन की जिम्मेवारी थी, तीनों को मुझे साइकिल से लेके जाना था लेके आना था, उसी बीच में मुझे एक बड़ा सा मिरर मिल गया, उसको मैं साइकिल पे टांगी साइड में और लेके आते आते आधे रास्ते में चारों खाने चित हो गई विथ बच्चे, तो रास्ते में मेरे पड़ोसी मिल गए जो कि अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो वही बेचारा टांग के लाया, बीच में साइकिल हो गया पंचर, तो उसने साइकिल में हवा भरी और तब वो चारों को साइकिल पे मिरर के साथ लेके मतलब पैदल ही आया बेचारा घर तक। तो शिवम कह रहा है कि वो ऊपर से सोच रहे होंगे कि वाह गिन्नी रोज मुझे एनर्जी देती है, मैं यहीं से चूस रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब ने बोल दिया कि आईने में देखने से एनर्जी खत्म हो जाती है, और मैं सच में फील कर रही हूं आईने के सामने नहीं सोना चाहिए, तो गिन्नी कह रही है कि अच्छा तभी से मैं कमजोर हो गई हूँ। तो शिवम ने नहले पे दहला मारा, बोला जो लाया है वो तो मर गया, वो ऊपर ले रहा होगा तुम्हारा एनर्जी।
वो भैया का फेमस डायलॉग था जान यू नहीं। अब सोचने वाली बात ये है, गिद्दी पांडे पूरी रात कहाँ सोएंगी? घर में कमरे तो कई हैं, लेकिन सोएंगी कहीं नहीं। बोलो मत, पड़ोस में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, चले जाएंगे। पूजा दी, पूजा 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 दी, जल्दी कैमरा पकड़ो, कैमरा पकड़ो, जल्दी कैमरा पकड़ो, जल्दी पकड़ो। शिवम गया पेशाब, शिवम गया पेशाब करने के लिए, हम उसके रूम में जा रहे घुसने के लिए। साला सोने, पकड़ो ना कैमरा, पकड़ो। भगवान, कौन कौन दिन देखना पड़ रहा है। एक मिनट का शिवम, हो कर आया भैया। क्यों घुस गई मेरे रूम में भाई? हो का पता है यार, बारिश में हम तो अलग भीग गए। इस लड़की का दिमाग मत कर जोर जोर से, वैसा उठ जाएंगे। तुम्हारे कमरे में हम काम लगवाए हैं यार। निकल जाओ। मत करो, निकल ना यार। जाओ, पेटीएम कर रहा है तुमको 5,000 रुपया। करो पेटीएम अभी, कर देंगे। 15 से मेरा मोबाइल ले, तभी तो पेटीएम देखूंगा कि हुआ कि नहीं। इधर से मैसेज सुना देंगे, टू टू। अरे निकल ना भाई, अरे साथ में सो लेना। बाहर मेरा तकिया रखा है, मेरा गद्दा रखा है, जाओ जहाँ सोना है सो जाओ। अब ये गेट सुबह खुलेगा, लो साफ लगेगा तो भी अंदर ही कर लेंगे। दिमाग अच्छा लगाई। अरे खोलना है और मत चलाओ, तो सुबह बाहर निकलोगी ना, तब पता चलेगा। जोर से मारोगे तो टूट जाएगा, सोने में दम है। तो यहीं सोऊंगा और क्या। ले बबी, ये जो बैठ गई पानी में भींग रहा है, खोल दो यार। मैटर सीरियस भाई, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इतनी रात को, हमको भी तो सुना है। पिदवा जग गया, ले सुबह बताऊंगा, अभी जाओ सुबह पता चलेगा। हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। हमको आगे सो रहे थे, जगाई है और बोली कि चल के जाके शिवम गया है टॉयलेट, मेरे साथ चलो रिकॉर्ड करना। प्लान बना के किया है, हमको नहीं पता, हम तो सो रहे थे यार। हमको बस कैमरा पकड़ाई, आनंद फानंद में हमको कुछ समझ भी नहीं आया, फालतू में भीग भी गए हम बारिश में। जाओ 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 जाओ, बैठे रहो। खोल भाई कंबल, दो अपना, कहाँ है मेरा कंबल? हाँ उधर होगा, उधर उधर जहाँ पापा सो रहे हैं वहाँ पे। इस वाले, ये यहाँ पे है। कहने का मतलब है गिन्नी पांडे का, जाना भाई, अब ब्लॉगर बन गए, जाना यार। हमको फोन दी है वो कि रिकॉर्ड कर लेंगे, जो करेंगे हम खुद ही रिकॉर्ड कर लेंगे। जब शिवराम स्लिपरी वाला है, एक ही मुक्का में समझा देते हैं। तोड़ भी सकते हैं दरवाजा, लेकिन रात का माहौल है ना, इसलिए बस सीन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। टिंग रिंग 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 रिंग। बॉबी चला गया, तुम एक बार फिर झांक सकती हो। बॉबी बॉबी झांक झांक, बबी सच में टॉयलेट गया रे, आधा छोड़ के आया था। भैया खोल, अरे टॉयलेट में है सच में, वॉशरूम खोल तो। अरे तुम्हारे कारण आधा में छोड़ के आया था, वो दो कंप्लीट करने गया। निकल, खोल ना, खोल तो, तू अपनी आँख से देख। ले कह रहे हैं कि खोलो, दिख 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 दिख, वॉशरूम। शिवम हगू गए हो? शिवम आएगा 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 आएगा, पिदवा बीच में फंस गया। हमको तो इस वक्त बस बस गिटार तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं तो अब तुम जाओ भाई, अब जाओ, मैं जहाँ भी सुना ये तो लंगूर को अंगूर दिखा के ललचाना हो गया, चला गया गिनी। अब हम फोन रख के जा रहे हैं रे, हमको सोने दे। बॉबी फोन लो अपना,
ले यह कहाँ चला। बारिश में आंगन में सोएगा, ये इतनी बारिश हो रही है देखियो। क्या हुआ, हुआ क्या? अरे शिवम नहीं है ना? रुको 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 रुको, शिवम कहाँ सो? मुझे नहीं पता, यहाँ भी नहीं है। कहाँ सोया है तो? मुझे नहीं पता। चल हॉल में देख, हॉल में देख, हॉल में देख, हॉल में होगा। देख रही, हम सब जगह नहीं है, हमको लगा किसी में सोया है। हम सोचे कि निश्चिंत हो जाए तो जाएंगे। इसमें भी ताला बंद है। अरे नहीं है उसमें तो, किसी को 2 लाख रुपए दोगी तो नहीं सोएगा यार। कहीं रोड उड पे तो नहीं निकल गया? अरे बारिश हो रहा है बाहर, आई बस मैंने, फूल बरस नहीं रहा है जो रोड पे चला जाएगा। बाहर भागा हो तुम्हारा, हम इस रात में देखने का हाल करेंगे। रुकिए, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ना 10 बार सोच लो। पूजा गैस क्यों जल रहा है? हे भगवान, लाइट जला, किचन का लाइट जला, किचन का लाइट जला, किचन का लाइट जला, पूजा किचन का लाइट। गैस बंद कर, गैस बंद कर, गैस बंद कर, पहले गैस बंद कर। यहाँ क्यों सोया है? ये क्या है? अबे तुम खुद भगाओगे तो कहाँ जाऊँगा? तो नीचे थोड़ी सोता है। गैस का कहाँ था? क्या कह सकता हूँ, हम नहीं थे यहाँ। झूठ मत बोलो शो। आ गई, मेरे कमरे से निकल गई। चलो चलो साथ में चलो सोएंगे। ए पुरी पुरी लो, भगदड़ मच गया इधर लो। एक तो भले फिर क्यों डिस्टर्ब किया यार? नहीं तो निकल, जा निकल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लाइट ऑफ करो, निकलो। ना ना चल चल, कमरे में सो जा अपने। ओरे 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 यार, यार तू पकड़ लेगा। गैस बंद कर, बंद कर, बंद कर, स्विच बंद कर पहले। गैस का ऑफ है वो। चलो चल, दोनों साथ में सो, चल मिलते हैं। क्या बोला? सर्वश्रेष्ठ डरपोक्का है मेरे घर में। चलो भगवान, बुद्धिहीन लड़का, भूत आता चाहे नहीं, जिंदगी कैसी तैसी हो जाती है। क्या चल रहा है इधर? लो हम दौड़ नहीं सकते हैं क्या? गलती से भी निकलेगा क्या तुम? अब उसको मारूंगा ना खींच के। हट पीछे, अब क्या, अब अंदर घुसने नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। पैर छू, अब ऊपर देख। बहन को लात नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं। लात कहाँ लगा रहा हूँ, घुटना लगा रहा हूँ। घुटना ही तो लगा रहा हूँ, टांग इतना नीचे नहीं लगा रहा। अरे नीचे बैठ के खिसक के अंदर जगह बना लिया गिन्नी ने। आओ आओ बिस्तर लगाते, चलो हम सोए नहीं थे अभी। हाँ तो जान, हम वहीं सो रहे, मुझे वहीं सोने दो, या तो मुझे यहाँ सोने दो। तुम बाहर निकलो यहाँ से। जब जरूरत था ना, मैं जब डरता था तो इसको पैर पकड़ के बुलाता था कि मेरे रूम में चल सोने के लिए, तो नहीं आती थी। आज जरूरत है, चल जा ले। निकलो, नहीं सोने दूंगा मैं। निकलो बाहर, निकलो। तुम लोग प्लान बना के कर रहे हो सब कुछ यार। हम कुछ नहीं किए हैं। इसको हटाओ भाई, नहीं तो दे दूंगा 1-2 घुसंड में। यार इतना बड़ा कमरा में साथ में सोने में तुमको क्या दिक्कत है? पार्टनरशिप पर सोना है ना, ऐसे क्यों मजे रहो? बबी हम जा रहे हैं अब। हम तुम लोग शायद लड़के माथा फोड़ दो एक दूसरे को। अब हम नहीं उठेंगे, बहुत रात हो चुका है वैसे भी। डोंट वरी गाइस, फूटेगा तो इसका फूटेगा, और फोड़ना भी होगा ना तो जो घर का सीसीटीवी कैमरा है उसके सामने जाके फोड़ेंगे ताकि रिकॉर्ड हो जाए। हाँ नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या गारंटी तुमने सिर्फ फोड़ा था। यस यस, ये इधर कोने में अपना जगह बना रहे। कारे अब
तो पब्लिक इतना सवाल जवाब करता है, सामान इधर-उधर कर दिए हैं यार, सुनो ना। हां तो पब्लिक इतना सवाल जवाब करता है कि उनको अगर बोलेंगे कि लूज मोशन में प्रॉब्लम है तो कहेंगे क्या भरोसा है। हाँ भाई, इसको बाल को लेकर के बहुत लोग बोल रहे थे कि नया हेयर स्टाइल चाहिए था इसीलिए काट दी। आप लोग ऐसा करते हो गए काम भाई, या जो भी बोलते हो ऐसी बातें। इट्स ओके, मैंने जवाब दे दिया है। यू गो एंड स्लीप, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। पहले उधर तो देखो उसका जिंदगी, झाड़ू पोछा कर रहा है। सोना है, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। क्या बोलिस? मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है इसलिए मुझे प्रेस कर रहा है। बात सच है क्या जी? साफ सफाई मुझे ही पसंद है इसलिए कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी कर। अपने लिए तो तुम्हारा ये कोना गंदा है? ये छोटा वाला कुत्ता ले आई, ये सब गंदा कर दिया पांडा। मैं लाई हूँ तू चल यार किचन में ही सो जा। शिवम, हम हवन धूप भभूत सब जला देते हैं। आगे तो क्यों जाऊंगा भाई, वहां गिन नहीं जाऊं। अब तुम पहले जाओ यार। पूजा तुम जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा मुझे बेचारा मनाएगा। जाओ अब, हम बाहर हैं, कोई घटना घटेगी तो हम कैमरा लेके बाहर हैं। चलिए यू गाइस एंजॉय। कहो तो हम बाहर से सुरक्षा के लिए ये लॉक लगा देते हैं ताकि कोई चाह के भी बाहर नहीं आ पाएगा। लड़ने के बाद भी तुम लोग को यहीं रहना पड़ेगा। शिवम जी दिखाइए अपनी ताकत, मूंगफली दो क्या? मूंगफली चाहिए, सिर्फ फिल्मों में होता है। अगर आपको शिवम के साथ इस कमरे में सोना है तो शिवम दो खुशबू देगा। वो खुशबू पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बगल का है और कौन सा। जाओ यार। फिलहाल तो आप ही खुशबू लीजिए और हम लोग हम जा रहे हैं, पब्लिक भी जा रही है। बाय भाई। अभी सुबह का वक्त है और कल उन लोगों ने इतना हालत खराब किया, रात में इतना इधर उधर घूमा, मुझे जुकाम हो गया, एकदम बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना बुरा हालत हो गया। और सुबह सुबह देखिए ये काम पे लग चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं चाय वगैरह पीने और आपसे मिलते हैं कल। पता नहीं इन लोगों ने जो रात में किया है। आज का हमारा वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।